हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 और आज है संडे 27 नवंबर और पापा पीछे पड़ जाते हैं खोने का पहले। बहुत दिनों बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं और पापा हर बार पीछे पड़ जाते पूरे सेट को पहने, लेकिन मेरा बैलेंस बन चुका है। कल मैंने ऐसे बैलेंस किया, हेलमेट में भूल गया था पहनना, तो ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये जरूरी है। कोनी का और कोनी का भी भूल गया था, दिख नहीं रहा था, थैली दिख नहीं रही थी। इसको जरा सा टाइट करने की जरूरत है। तो ये जो घर आप देख रहे हैं बनते हुए, ये घर बन रहा है हीरापुर बैतूल में, जो पापा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो होप वो जल्दी ठीक हो जाए और इस पे काम हम साथ में जाके करें तो बेस्ट है। और बस अभी प्रे कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए और ये वो यहीं रहें बड़ौदा में रहकर, अगर क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी वहाँ नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। और इस एज में पास में रहना, हॉस्पिटल के पास में रहना वो ज़्यादा अच्छा है ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एक एज भी देखना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। और यहाँ पूनम काम कर रही है पकड़ 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 पकड़, और यहाँ आर्या मस्त कर रही है पकड़ो। दादू को हाथ पे बैठिए, तो यहाँ जो है आर्या के उद्यम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत समझदार हो गई है, कर दो वो बस पेन पेंसिल पकड़ तो उनका काम हो जाता है। तो हम उसको लेके आ गए नीचे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे पापा को कि बाहर का जो धूप है, एटमॉस्फेयर है, क्योंकि घर के अंदर रहते रहते वैसे ही इंसान बीमार हो जाता है। अगर एक जगह आप सालों साल या महीने महीने बैठे रहें तो लोगों के बीच में घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है। इवन बच्चों के साथ खेलना कूदना भी एक तरह का मेंटली रिलीफ देता है, मुझे लगता है ऐसा। तो उन सभी बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी अलग जगह रहते हैं वो अपने बच्चों या नाती पोतों के साथ ज़रूर खेले, वो उनके मेंटली स्ट्रेस को रिलीफ करता है। और ये एक एज के साथ ये मेंटली स्ट्रेस आ ही जाता है, उसको आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो दूर नहीं होता। तो यही है, जो बच्चों में इन्वॉल्व रहें वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ आरू का फेवरेट काम हो रहा है और इधर पूनम अपने काम में लगी है, जितना समय उसको मिलता है वो कर लेती है। बाकी कभी अगर जैसे बैकग्राउंड में या फ़ोटो या डॉक्यूमेंटेशन में मेरे को हेल्प करनी पड़ती है ताकि फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन फ़ोटोशॉप पे काम हो सारी चीज़ें मैं कर लेता। जल कुकड़ी है ना, ये हमारी जल कुकड़ी है। जल ककड़ी, ये जल्लू दिल चढ़ गई मोटू। ओ मोटू, आहा कर दो आहा, भैया को आहा कर दे। तो आर्या को बस स्केच पेन मिल जाए, उनका दिन निकल जाता है उसी में। स्केच पेन और कोई कागज मिल जाए उसमें वो अलग अलग रंगों से अलग अलग से वो करती रहती है काम। तो बस हम थोड़ा समय निकाले और यहाँ आ गए डिकैथलॉन जाने के रास्ते। तो हम हैं पुरानी बाव में, बहुत पुरानी बावड़ी है और ये लगभग आठ बाव मतलब आठ मंजिल ऐसे नीचे तक जाती है ना कुआं। तो इसमें हम बहुत पहले चलो आगे बढ़ो। और फिर हम उस दिन डिकैथलॉन जा रहे थे, जब रास्ते में हम सोचे चलो यहाँ विजिट करके आए। धीरे धीरे चप्पल यहाँ उतार लो, तो जब था नहीं था मुझे याद नहीं, तो मैं पहली बार आया यहाँ पे और उसको बहुत मज़ा आया। तो इस तरह का ये हेरिटेज एक साइट है, ये देखिए ऊपर से ये इतना है और इससे और नीचे जा सकते हैं और हम लोग ज़्यादा नीचे गए नहीं। हम अभी बाव में बहुत सारे यहाँ पानी भरा जाता है। देख वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये, और मेरे ख्याल से अगर जो भी इधर हैं हम नहीं दौड़ रहे, वो चंदल मल्टीप्लेक्स की ओर जाए या डिकैथलॉन की ओर जाए तो आप लोग आके ये विज़िट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लेस है, मेरे ख्याल से ये
जो जगह है आप एक बार आएंगे तो मन का सुकून शांति ज़रूर मिलेगा यहाँ देख कर ही, क्योंकि जब आप एक ऐतिहासिक जगह पर होते हैं वैसे ही आपका शरीर में वो एक स्फूर्ति एक मनोबल वो होता है ने स्टैंडिंग्स, क्योंकि यहाँ एक पीढ़ियाँ पुरखें देखी हुई हैं ये सब जगह। इधर देखो जरा पोज मार रहे हैं भाई बस साहब। नहीं नहीं तो देख खड़े हो मम्मी के पास खड़े हो मम्मी के पास खड़े जाने वाली है देखने के लिए नीचे। पूनम फोटोग्राफी कर रही थी मेरे ख्याल से उसको उसके काम क्या कुछ दिख गया है और कहीं भी चौकन्ना रहना चाहिए अगर आपके काम से रिलेटेड कुछ फॉर्म कुछ एक्शन या कुछ भी ऐसी आकृतियां दिखती हैं तो आपको वो रख लेनी चाहिए क्योंकि वो आपको बाद में काम में आएगा। तो पूनम ने ये फोटोग्राफी की है ना इधर देख चलो एक बस हम अभी एक सेल्फी लेने के बाद हम जाने वाले हैं डीकैथलॉन ताकि अनय को अनय के लिए सरप्राइज था इसको स्केटबोर्ड स्केटिंग दिलाना है और मैं बोल के नहीं लेके गया था तो उसमें बहुत मज़ा आता है कि आप बोल के लेके नहीं जाओ बट जब आप वहाँ जाते हैं और बच्चों को वो चीज़ें दिलाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह के सरप्राइजेज देना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे बहुत सारे सरप्राइज आगे आएंगे आने वाले समय में तो वो भी होप आप लोगों को मज़ा आएगा। ये जो आप दीवार पे पिलर पे देख रहे हैं ये सब टेक्सचर्स बहुत काम के हैं ये मोटिफ बहुत काम के हैं जो कई बार मैं अपने चित्रों में इस्तेमाल करता था और अभी भी कहीं कहीं होता है कुछ मोटिफ्स आते हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो मैं करता हूँ अपने पेंटिंग में यूज। मेरे ख्याल से पूनम भी वही शूट कर रही थी कि उसको जो मोटिफ्स वहाँ काम आएंगे वो हम पहुँच चुके हैं डीकैथलॉन और नए को ये स्केटिंग पसंद आया है और वो वन व्हील वाला है वो पहले कभी ऐसे वन व्हील वाले स्केटिंग पे खड़ा नहीं हुआ है फिर भी उसने अच्छा बैलेंस बनाया इसलिए पहले मैं सोच रहा था टू व्हील वाले स्केटबोर्ड स्केटिंग लिए जाए लेकिन सिंगल व्हील वाला वो ज़्यादा अच्छा है और इस तरह के जो इसमें ही अगर बैलेंस बना लिया तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे से स्केटिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे वो भैया उनको दिखा रहे हैं कि कैसे सेफ्टी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सब गार्ड्स ये सब पहनते हैं तो बस अच्छे ये से पहनना है ना पूरे सेफ्टी हो रहे हैं के साथ और बस इस ये पहन के वो खड़े भर हो जाए एक बार। तो बस हमने वो ले लिया है और ये सेक्शन है फुटबॉल का क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है तो यहाँ घर पे आके प्रैक्टिस करते करते थक गए तो वो लेट गए यहाँ और इनकी प्रैक्टिस अभी रात से ही शुरू हुई। रात में इन्होंने स्टेबल होना व खड़े होना थोड़ा सा सीख लिया है और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ आज की स्थिति ये है ध्यान भटकना नहीं चाहिए वॉक कर लेते हैं दो दिन में और उसके लिए हम यूट्यूब को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेज पर कैसे स्केटिंग करना चाहिए उसके बारे में जानकारियां हैं। तो मैं थैंक यू बोलता हूं वाकई दिल से थैंक यू बोलता हूं यूट्यूब को कि हमें कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए होती है हम यूट्यूब पे जस्ट सर्च करते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यूट्यूब सिखाने के मामले में गुरु कहा जा सकता है डिजिटल गुरु और यहाँ पापा वॉक करना सीख रहे हैं और जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू भी बोलना चाहेंगे डॉक्टर अंकिता को जिन्होंने पापा का जो थेरेपी है फिजियोथेरेपी उसके थ्रू पहले वो बैठना सीखे और अब वो धीरे धीरे चलना कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे और फिर मिलते रहिए जुड़ते रहिए दूसरों से शेयर करते रहिए। नमस्कार बाय बाय जय हिंद।